नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी विचारिणे निर्वशेषं शून्यवादे पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री शिवासादि गौर भक्तवृंदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्माय श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदस्य रघुनाथनाथाय सीतायै वदे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशे गोपिकाकांता श्री राधाकांता नमस्तुते। सप्तकंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी तमामे हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री शिवासादि गौर भक्तवृंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य रमाकांत जय जय सर्व वैष्णव वल्लभायकांत जय जय श्री श्री गौर वृंदावनाथ जय जय कृपा मही श्री श्री राधा मुरलीधर ब्रज गोपाल जय जय कृपा मही गौर सुंदर महाप्रभु पंचतत्व जय जय कृपा मही छठ गोस्वामी महाराज जय जय कृपा मही रामा गुरुदेव श्री बाबूजी जीव प्रतिकल प्रभु शुभदृष्टि पावि जीव प्रतिकल प्रभु शुभदृष्टि पावि जीव प्रतिकल प्रभु शुभदृष्टि पावि जय जय शिवास आदि और भक्तगण शक्ति देव करी जय चैतन्य हरे Krishna 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 Hare Hare गुरुदेव की जय। बोलो महामंत्र की जय। कृष्णा मैं असल में इसलिए योग्य नहीं हूँ कि यहाँ बैठ सकूँ, ये तो शिवा भक्तिवाणी की कृपा है। जय कृष्ण। तो आज मैं आपको कुछ शास्त्रों में स्कंद पुराण के अंदर कृष्ण नाम की महिमा के बारे में बता कृपा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वैसे भी आज जो है कई काल नाम रूप कृष्ण अवतार, आज जो है भगवान ने जो है नाम रूप के अंदर अवतार लिया है। और आप जितने भी जो वैष्णव हो वो जीवा द्वारा नाम रूप की सेवा कर रहे हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, क्योंकि ये भाव उत्सव है, ये भी कला का उत्सव नहीं है। ये जो नाम महामंत्र चल रहा है ये भाव उत्सव है, ठीक है। इसलिए भाव से हृदय से आप को रिझाइए। ये जो है महान वैष्णवों की कृपा से हमें ये 3 दिन का ये बहुत शुभ अवसर मिला है, इसलिए इसका भरपूर लाभ उठाइए। आप आइए और अपने फैमिली को भी लेकर आइए। हरि बोल हरे कृष्ण। तो यहाँ पद्म पुराण के अंदर कुछ चंद श्लोक है जिसको मैं दोहरा रहा हूँ। जो हे कृष्णा ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को घेर कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से तथा मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वो मेरा भक्त कभी कष्ट में पीड़ित नहीं होता। मृत्यु काल में उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, हरे कृष्णा आवाज नहीं आ रही, कृष्णा 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 में ज्यादा आवाज नहीं आई, वो कृष्णा 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 इसका ये आवाज हो। तो बताते हैं कि मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी हो तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। और इस बात को तो भागवतम के अंदर भी बता दिया गया। स्वयं यमराज ने कहा है, अपने दोस्तों से कहा है कि जो कृष्ण नाम लेता है उनके समीप मत जाना। इसलिए श्वास श्वास के नाम पर विश्वास मत हो, ना जाने श्वास की आवत हो कि ना हो, इस आज का कोई पता नहीं, ना कल का पता ना कल का पता। इसलिए कृष्ण 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 हमारा जो है कृष्णमय जीवन हो। यहाँ पर एक श्लोक में जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते, अगर आपको ये भी नहीं आता तो मैं आपको ये श्लोक बता। कृष्णारे संसार करो छोड़ो अनाचारे, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सारे। इस सारे धर्मों का सार कृष्ण 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 कृष्ण, रोम रोम में बस जाए, कृष्णमय हो जाए। तो ये जो संसार में जितने भी विवाद हो कृष्णमय हो, छोड़ो अनाचार, ये गृहस्थी जो काम धंधे छोड़ दो। और बाबा क्या बता रहे हैं कि जीवे दया कृष्ण नाम, जीवों पर दया दो, कृष्ण नाम दो, सब जीवों को कृष्ण नाम दो। क्या कहा? जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, सारे धर्मों का सार क्या है? कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस इसी को रटन करते रहिए। आगे बता रहे हैं पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हो तथापि यदि वो अंत काल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। मृत्यु काल में उपस्थित होने पर यदि कोई श्री कृष्णा को नमस्कार करता है। ऐसा विवश होकर भी कहे तो वो अविनाशी पद को प्राप्त होता है। ये सारी बातें परंपरा में बताई गई। जो श्री कृष्णा को उच्चारण करके प्राण त्याग करता है उसे प्रेत राज जम दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाने को देखते हैं। आगे बता यानी कृष्णा कृष्णा का उच्चारण करते हुए कोई शमशान में अथवा सड़क पर दिन भर जाता है तो वो मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। आगे बता ले जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है वो मनुष्य का स्मरण किए बिना भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर क्या बता रहे बेटा पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय मत करो, श्री कृष्णा के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे संचित करके बुझा दिया जाता है। तीखे दांतों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या है, श्री कृष्णा के नाम रूपी इंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वो जल कर भस्मभूत हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से विरुद्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से मृत्यु चेष्टा से शून्य हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण नाम स्मरण के अतिरिक्त कोई दूसरी औषधि नहीं रहती। ये जो है गुरु कृपा से हमें ये हरिनाम की औषधि मिली है। आगे बता रहे जैसे प्रिया भी गंगा शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों को नाश करने वाला है। हरे कृष्णा हम इतनी भी मेहमान जोर से बोलिए ना, हरे कृष्णा जरा हिंदी से। आगे बता रहे हैं आप सबको समझ में आ रहे सबसे ज्यादा, अगर समझ में आया तो महामंत्र बोलिए। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवाय दूसरी कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। देखिए ये हरिनाम कैसा मिला हमें, ये महापुरुषों की ये सत्पुरुषों की कृपा से मिला हरिनाम। कैसे मिला, जब हमने साधुओं का संग किया, साधुओं के संग से हमें सत्संग मिला, सत्संग से क्या मिले फिर साधु मिले, गुरुजन मिले, गुरु से क्या मिली, सत्संग से क्या मिली, सद्बुद्धि मिली, सद्बुद्धि से सदनाम मिला, सदनाम से सद्बुद्धि से फिर सदगति होगी। वैसे ही सदगति नहीं होने वाली। आगे बता रहे हैं जो बाकी है जिसमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए अभी से आदत बना लो, साधुओं का संग करो, कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र करे, लोग मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु के संग से ही हमारा उद्यान होगा, क्योंकि वैसा ये मन बड़ा चंचल है, ये नहीं मानता, दिल है के मानता नहीं, दिल नहीं मानता, क्योंकि ये जो दिल ये जो इंद्रियां हैं ये मन ये जो इंद्रियां हैं सिर्फ ये शरीर चेंज होता है, लेकिन ये जो मन और इंद्रियां हैं ये कभी चेंज नहीं होते, ये हर जन्म में हमारे साथ रहते। इसलिए इस मन और इंद्रियों को संसार की आदत पड़ गई है और हरि नाम नहीं लेता ये मन, ये बड़ा मूर्ख हो गया है, नहीं लेता। इसलिए बार बार इसको रिझाओ। हमारे रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी प्रार्थना करते कि मेरे प्यारे मन प्लीज कृपा कृपा कृष्णा का नाम लो, कृष्णा का नाम लो, कृष्णा का नाम लो। इस मन मन को बेलाओ, बनाओ, जैसे छोटे बच्चे को नहीं मनाते हम लोग। आगे बता रहे बेटा जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ है, उसी का जन्म और जीवन सबल है। देखो जिस मंदिर में क्या है कृष्णा कृष्णा का कीर्तन है, वही क्या है काशी है, वही क्या है गया जी है, वही क्या है कुरुक्षेत्र है। क्योंकि जहाँ कृष्णा है वहाँ सब कुछ है, क्योंकि कृष्णा मूल है, जड़ है। अहम प्रभुपाद भगवान गीता करते हैं, उसी का जन्म और जीवन सबल है तथा उसी का मुख सबलित है। आगे बता रहे एक आखिरी श्लोक है, जिसकी जीवा सदा कृष्ण 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 का कीर्तन करती है, जिसने एक बार ही हरि उन दो अक्षरों का उच्चारण कर दिया, उसने मोक्ष के लिए जाने को कमर कस ली है। क्या करिए? कमर कस ली है मोक्ष को। तो यहाँ पर एक महात्मा कहते हैं हमारे आचार्य बहुत अच्छा कहा है, कहते हैं हरि नाम में दे पले तो पाइए, क्योंकि ये मनुष्य दे मिला इसलिए। हरि नाम में दे पले तो पाइए, हरि सेवा में दे गले तो गाइए। हाँ भाई पर आप मान दे दिया वो भी मिलन की ये तेरी विद्या और तेरे काम किसे ना कार मिल साधु संग भरे केवल नाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक एक सांस बहुत कीमती है, एक एक सांस जो है ना बहुत कीमती है। ये जो है एक सांस के बराबर में 3 लोग का हो, ये इतनी कीमती सांस है। इस सांस में जो है कृष्णा को शामिल कर दो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, क्योंकि आज 3 दिन तक जो ये उत्सव है ये महासंकीर्तन का उत्सव है, इसलिए यहाँ जितना भी हो सके महामंत्र का उच्चारण कीजिए। मैं आपको छोटा सा और बताना चाह रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहो। क्या सुनना चाहोगे? बोलो ना। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद 2रा अध्याय 41वां श्लोक बता रहे हैं, जो इस प्रकार विशुद्ध वर्ग नियम ले लेता है किस नाम का? हरिनाम का। उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग जाता है। देखो अंकुर उग गया है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वो साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं और धारणाओं से परे हो जाता है। दम से नहीं स्वभाव से ही उन्मत्त सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है और कभी टूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे सुर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर सुर में उनके गुण का गान करने लगता है। कभी जब वो अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभाव करता है, तो तब उन्हें बिजली के लिए नृत्य भी करने लगता है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। भगवत भक्तगण सदा सर्वदा भगवान के मंत्रमय नामों का कीर्तन करते हैं। श्री कृष्णा संकीर्तन से समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं। देखो सब इनसे अनर्थ दूर हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो धन जन्मांतर के पाप और उससे प्राप्त पुनः जन्म मृत्यु रूप सा संसार नष्ट हो जाता है। सब प्रकार के कल्याण दिव्य हो जाते हैं। प्रेम भक्ति के सभी साधनों का संचार होने लगता है। कृष्ण प्रेम का उदय होता है। प्रेम अमृत का रस आस्वादन होने लगता है। श्री कृष्णा की प्राप्ति हेतु और अंत में सेवा अमृत रूपी समुद्र में संपूर्ण रूप से अवागान हो द्वारा सुशीलता और निर्मलता प्राप्त होती है। इस अवस्था में श्री कृष्णा संकीर्तन वृत्ति के द्वारा जीव के स्वाभाविक आनंद को आनंदित अकर्मित रूप से संवर्धित करती है। जीव अब दास्य शर्मा वासनीय और माधुरी भाव में उड़ता है। उनसे किसी एक रस में नित्य स्थित होकर नव मन अनुराग के द्वारा प्रतिक्षण पूर्ण अमृत का आस्वादन करता है। क्या काम है? केवल रसामृत सिंधु उसका वो रस पान करता है। समय बड़ा बलवान है। मैंने पहलवान को मिला हुआ होगा। इस थोड़े समय में ज्यादा बता दूं, लेकिन आगे क्या बता रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे बोलो ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। श्री कृष्ण के सुंदर आदि समस्त माधुर्य को भक्तजन बारंबार आस्वादन करते हैं तथा ये माधुर्य हर क्षण उन्हें नित्य जीवन होकर चमत्कृत करते हैं। भक्त का चित्त द्रवीभूत हो उठता है, द्रवीभूत हो उठता है। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम